लखीमपुर खीरी के रेंज मैलानी की चौकी संसारपुर की ग्राम पसियापुर में शेर ने गरीब किसान को निवाला बनाया। क्षेत्र में फिर लौट आई शेर की दहशत। अपने खेत में घास काटने गया दलित प्रेमचंद्र उर्फ नारायण देर शाम तक वापस नहीं आया। तब परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन दलित प्रेमचंद्र नहीं मिले। परिजन पूरी रात ढूंढते रहे। जब वह नदी के किनारे गए तो वहां पर नारायण का अधखाया शव ग्रामीणों को मिला। इसकी जानकारी रेंज मैलानी को दी गई। प्रेमचंद्र के 3 बेटे और 1 बेटी है। अब इनका परिवार कैसे चलेगा? वहीं पर उप जिला अधिकारी गोला से मिली जानकारी के अनुसार कृषक बीमा दुर्घटना योजना से मृतक के परिवार को सहायता धन राशि के रूप में 5,00,000 रुपए मिलेंगे और परिवार लाभ योजना से 30,000 की धन राशि दी जाएगी। पाती तो रहे थे और उधर से शेर आया, उनको झपेट लिया और बाद में पता नहीं लगा। और बाद में हम लोग गए सम टाइम ढूंढने तो वहाँ पता नहीं चला। फिर सवेरे गए तो उसकी चिंगाट खींचते हुए गया तो उसकी लाइन पर हम लोग चले गए। क्या नाम था? जो प्रेमचंद नाम था। जनपद लखीमपुर खीरी की रेंज मैलानी के अंतर्गत ग्राम सभा पसियापुर में युवक को शेर ने बनाया निवाला। उनके परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार पता चला कि वो खेत पर गया था घास काटने के लिए। देर शाम तक जब वापस नहीं आया तो परिजनों ने ढूंढने को चालू किया। लखीमपुर खीरी से आशीष राठौर।